Welcome to SJ Inceptions. To today, presenting before you India's first reptile shop. So, इस शॉप के अंदर जाते ही आपको बैंगलोर में थाईलैंड का फील आने वाला है. So, we are entering inside, and here is India's first and one and only reptile shop. Look at that. जिस तरह से इस पूरी शॉप को बनाया गया है, ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि हम थाईलैंड में आ चुके हैं. सो पूरे इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक ही रेप्टाइल शॉप देखने को मिलेगा जो बनाया है कर्नाटका एक्वेरियम ने. सो बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए और बहुत कुछ है बताने के लिए, बिकॉज इस शॉप में जो एक्सॉटिक रेप्टाइल्स है वो आपको पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका एक्वेरियम में ही दिखने वाले हैं. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो. दिस इज कर्नाटका एक्वेरियम्स फर्स्ट रेप्टाइल्स पेट शॉप इन इंडिया. सो बिफोर वॉचिंग ऑल द एग्जॉटिक रेप्टाइल्स, लेट्स मीट विद द मैन विद अ विजन. हियर इज मिस्टर सैयद लियाकत. हाय सैयद भाई. Firstly, a hearty congratulations to you. This is still unbelievable to me कि इंडिया में finally एक reptile shop खुली है, इंडिया की पहली reptile shop. And मैं चाहूँगा कि हमारे सारे viewers please we shall appreciate सैयद भाई, because I know कितनी मेहनत लगी होगी. Because इंडिया में जहाँ पर लोग reptile दिखाने के लिए एक दो भी थोड़ा बहुत डरते हैं, वहाँ पर हमको एक पूरी रेप्टाइल शॉप दिख रही है. सो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है. इट्स नॉट एट ऑल एन ईजी जॉब अपार्ट फ्रॉम ब्रिंगिंग द रेप्टाइल, शोइंग देम, कीपिंग प्रॉपरली, बट इन सारे रेप्टाइल्स को प्रॉपरली डिस्प्ले कराना, ये मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ा नामुमकिन जैसा टास्क था. बट वाकई में ये सैयद भाई काबिले तारीफ है. सो मैं चाहूँगा कि इस रेप्टाइल शॉप का कॉन्सेप्ट, इसके पीछे जो भी आपने मेहनत करी है, जो भी आज आपको ये इतना आप बेहतरीन शॉप लेकर आए हो, मैं चाहूँगा कि आप जो कुछ भी शेयर करना चाहे, सबसे पहले स्टॉक दिखाने से पहले वो हमारे व्यूवर्स के साथ प्लीज़ आप शेयर करेंगे तो. थैंक यू सो मच. आप जितना मुझे तारीफ कर रहे उतना तो हूँ नहीं मैं, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी मेरी ऐसी मेहनत लगी है जो आई थिंक अभी नहीं दिख रही होगी, इन फ्यूचर में दिखेगी इसकी जो मेहनत है. और पहली बात तो मैं ये बता दूँ, ऐसे रेप्टाइल का शॉप जो है, काफ़ी सारे लोग इसमें डर रहे थे बिकॉज ये इलीगल स्पीशी है या फिर स्मगलिंग करके ज्यादातर इन चीजों को लेके आते हैं. तो पहली बात मैं ये बता दूं, हमारा प्रॉपर पेट शॉप है कर्नाटका एक्वेरियम बैंगलोर, जेपी नगर, फिफ्थ फेस, विनायका नगर सर्कल के अंदर ही हमारा कर्नाटका एक्वेरियम है. तो मैं काफी साल से जो है ये रेप्टाइल सेल करता हूँ, और हमारे को जो काफी ऐसे लोग हैं जो बाहर से स्टॉक मंगाते हैं उनसे हमारे को कॉन्टेक्ट नहीं है. और पहली बात मैं इसमें इस वजह से क्लियर कर रहा हूँ ताकि अभी मुंबई में रिसेंटली ऐसा कुछ कांड हुआ है जो मैं आपको खुल के नहीं बता सकता. अगर आप मुंबई कुछ मार के देखेंगे गूगल या यूट्यूब पे तो आपको आई थिंक मिल जाएगा उसका यूट्यूब वीडियो वगैरह, तो आप उस पर भी जाके देख सकते हो. काफी सारे लोग जो है इलीगल स्पीशीज पे हाथ डाल रहे हैं, तो हमारा काम ऐसा नहीं है. इसी वजह से मैं सभी के सामने डिक्लेयर करने के लिए एज अ लीगल, क्योंकि मैं लीगल हूँ, तो इस वजह से मैंने एक रेप्टाइल शॉप खोला है. काफी हमारे इंडिया में जो है सिर्फ पेट शॉप का ऐसे नाम सुना है, तो अभी पहली बार आपको इंडिया में रेप्टाइल शॉप मिल रहा है, और वो भी विद लीगल डॉक्यूमेंट, बिकॉज जो भी मेरे पास एनिमल रहता है ये विद पेपर रहता है. तो मैं आप सभी को एक 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 पेपर दिखाता जाऊंगा, और इसके बारे में मैं आपको समझाता भी जाऊंगा, और कौन सा इलीगल स्पीशी है और कौन सा लीगल स्पीशी है, और इसको आप कैसे पेटिंग कर सकते हो, और इसका जो इनक्लोजर साइज है, और इसका डाइट कैसे रखना है, इसको प्रॉपर डाइट प्रोटीन वगैरह कैसे देना है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा. और पहली तो मैं आपको बात, हमारे इंडिया में ज्यादातर और ज्यादातर जो अभी वीडियो देख रहे हैं इसमें से 90% लोग जो है इसके बारे में नॉलेज नहीं है. तो अपने आप में क्या सोचते हैं कि आजकल छोटे बच्चे को भी पता चल गया है पेपर और नॉन पेपर. और क्योंकि पेट्स में ज्यादातर देखिए टॉर्टाइज वगैरह पे हमारे इंडिया में जो है वो बैन चल रहा है, बिकॉज हर एक के नॉलेज में यही है कि भाई इंडियन स्टार टॉर्टाइज जो है वो बैन है, तो ऑब्वियसली वो 100% बैन है बिकॉज वो इंडियन स्पीशी है, और जो हमारे पास है वो एक्सॉटिक स्पीशी है.
और इसको काफी, जैसे कि आप समझ सकते हैं, ब्रिटिश के टाइम पे, आज के टाइम पे नहीं, जब ब्रिटिश जो हमारे इंडिया पे कब्जा करे हुए थे तब के जमाने से हमारे पास जो है रेप्टाइल्स हैं, और ये दादा परदादा ऐसे करके आते गए हमारे पास। और जो आज मेरे हाथ में भी आप रेप्टाइल्स देख रहे हो, ये भी ऐसे के ही थ्रू आया हुआ है, और 100% नहीं बता सकता, क्योंकि आजकल इंडिया में जो है एनिमल स्मगलिंग ज्यादा हो गई है। बिकॉज मैं अभी चेन्नई का भी एक वीडियो देख रहा था और मुंबई का भी एक वीडियो देख रहा था, तो सॉरी एसजे भाई, क्योंकि मुंबई में जो है ज्यादातर ऐसे ही चीज का काम होता है, तो उसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और आज की गवर्नमेंट भी यही बोल रही है कि जब ये स्मगलिंग करके लेके आते हैं तो इनको एनिमल बेचने का रेट्स नहीं देना चाहिए और इनको डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनाना चाहिए। तो एक तरफ से मैं इंडियन गवर्नमेंट, हमारा जो दिल्ली का हाई कोर्ट है, उनको मैं पहली बात तो थैंक्स करना चाहूंगा, बिकॉज जो एग्जॉटिक स्पीशी है उनके लिए प्रॉपर वो लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये परिवेश में मैं रजिस्टर करा के हूँ, जो भी मेरे पास एनिमल है ईच एंड एवरी हेड, अगर समझिए इसका जो, जैसे अभी मेरे पास एक मेल फीमेल इगुआना है तो ऑलमोस्ट 50 एग्स देंगे, और 50 एग्स में से 100% अगर हैचलिंग होंगे तो 50 बेबीज होंगे ऑब्वियसली। तो अगर वो 50 बेबीज जो है वो आप पोर्टल में भी जाके फिर से उसको भी रजिस्टर करा सकते हो, वो भी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। तो थैंक यू सो मच गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहूंगा, और इंडियन हमारा जो हाई कोर्ट है उसको मैं पहली बात थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे हमारे डॉक्यूमेंट जो बना के दिए हैं, जो भी जिसके पास भी, जैसे काफी सारे लोग दिखाने में डर रहे थे, उनके लिए आज बहुत इजी हो गया है, क्योंकि विद पेपर रहने से आपको सब लोगों को पता है, अगर डॉक्यूमेंट रह गया तो हमारे जो भी अगर केस हो रहा है तो पेपर के सामने कुछ भी केस चलने वाला नहीं है, और ये इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हुआ पेपर है। तो इसमें काफी सारे ऐसे जो स्पीशीज है आज भी इंडिया में रजिस्टर नहीं हुए हैं, और आपका जो भाई सैयद भाई जो मैं हूं, तो मैंने काफी सारे ऐसे एग्जॉटिक स्पीशीज को रजिस्टर कराया हुआ है, और मैं जो भी एनिमल सेल करता हूं ये सब मेरे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, और जो उनके बच्चे हैं उनको मैं जो लेंगे उनको मैं रजिस्टर करा के दूंगा। जैसे अभी समझिए मेरे पास 15 हेड्स बेबी है, तो उस पे जैसे एक एक आदमी अगर ले रहा है तो उनको डिवाइड करके मैं रजिस्टर करा के दूंगा, जो मेरा मेल फीमेल का जो एक नंबर आता है, ये आपको मैं क्लियर नहीं बता पाऊंगा बिकॉज ये नंबर में भी काफी सारे घपले हो सकते हैं। तो इसमें एक नंबर आता है, ये होता है मेल फीमेल का नंबर, तो वो मेल फीमेल का नंबर अगर हम वो ऐप में डालेंगे तो उसके जो भी बच्चे हैं कितने हेड्स हुए ये वगैरह वगैरह डाल के, तो हम इनको आगे इनकी जनरेशन को जो है रजिस्टर करा सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास प्रॉपर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप इसमें देख सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एक पढ़ के बताता रहूंगा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा दूर से मुझे नहीं दिखाना चाहिए, नजदीक में लेके आके नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज जो इसका डॉक्यूमेंट नंबर आता है ये नंबर से बहुत कुछ हो सकता है इसमें, और मेरा जो मेल फीमेल का जो एप्लीकेशन है वो भी डिलीट हो सकता है। तो इसमें मैं सॉरी नहीं दिखा पाऊंगा, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एमरल्ड ट्री मॉनिटर का मेरे पास पेपर है, सुलकटा का पेपर है, अल्डब्रा का पेपर है, बॉल पाइथन का पेपर है, और पाइड बॉल पाइथन जो एग्जॉटिक बॉल पाइथन आता है उसका पेपर है, इगुआनास का पेपर है। इगुआनास मेरे पास ऑलमोस्ट 500 स्पीशीज इगुआ सॉरी 500 हेड्स के नॉर्मल इगुआनास के डॉक्यूमेंट है मेरे पास, क्योंकि मैं काफी सारे ऐसे, क्योंकि हमारे इंडिया में काफी अच्छा सेल होता है वो, तो पेरेंट्स मैंने 500 के करीब रजिस्टर कराए हुए हैं, तो उनके बच्चे जो है वो ऑलमोस्ट 5000 तक उसके बच्चे होते हैं पर ईयर। तो वो 5000 बच्चे जो है मैं वो थ्रू आउट इंडिया में ऑल ओवर इंडिया डिलीवर हमारा अवेलेबल है। और ये आप देख सकते हैं किंग स्नेक है, कारपेट पाइथन है, और आपका व्हाइट लिप पाइथन हो गया, कारपेट पाइथन हो गया, अल्बाइनो कारपेट पाइथन हो गया। तो इसमें पहले बात मैं आपको ये क्लियर बता दूं, नॉर्मल बॉल पाइथन रजिस्टर होगा उसी के नाम से, और उसके अंदर जो भी जीन्स आएंगे, म्यूटेशन आएंगे, वो स्पेसिफिक नाम मेंशन नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे से भी खरीद रहे हैं तो उसमें भी नाम मेंशन नहीं होगा। जैसे अभी बॉल पाइथन में 3000 वैरायटी के आज बॉल पाइथन आ गए हैं, जैसे कि आप अगर बॉल पाइथन सर्च करोगे तो आपको नॉर्मल रॉयल बॉल पाइथन गूगल पे मिलेगा, और उसमें आज इतने स्पीशीज आ गए हैं, अल्बाइनो बॉल, लूसी स्टिक, ब्लू आई लूसी स्टिक, पाइड बॉल, पता नहीं यार काफी सारे स्पीशीज आ गए, तो वो सिर्फ बॉल पाइथन बोल के रजिस्टर्ड होगा।
और इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास क्रोकोडाइल भी रजिस्टर्ड है और राइनो इगुआना भी रजिस्टर्ड है और मिल्क स्नेक रजिस्टर्ड है, हेजॉग रजिस्टर्ड है, हॉगनोस पाइथन मैं आपको वो भी बता दूंगा और ब्लैक एंड व्हाइट टेगू वो भी बता दूंगा मैं आपको, बियर्डेड ड्रैगन भी बता दूंगा, माटा माटा टर्टल, स्नेक हेड टर्टल और काफी सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो नए नए स्पीशीज हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा और ऑलमोस्ट मेरे पास रजिस्टर्ड है। आप इसके डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट मैं बस थोड़े कलेक्ट करके लेके आया हूँ बिकॉज जो अभी मेरे पास स्टॉक है पैसिफिक मैं उन्हीं के दिखाने के लिए लेके आया हूँ और मेरे पास ऐसे काफी एनिमल्स के रजिस्टर्ड हुए हैं क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में जो है वो एक्सोटिक को लेके बहुत कचरा भरा हुआ है, बहुत माने बहुत कचरा बोल रहा हूँ बोल के बुरा मत समझिए, इतना ज्यादा गंदगी भरी हुई है दिमाग में कि भाई पाइथन पालेंगे इलीगल है। इलीगल कुछ नहीं है, लीगल ही है भाई, जब गवर्नमेंट खुद रजिस्टर करा के आपका पेट आपको दे रही है। देखिए ये स्पीशीज को ज्यादातर क्यों रजिस्टर करा जाता है, जैसे डॉग के अंदर चिपिंग होती है क्योंकि डॉग ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, जब तक पालने का मन हुआ तब तक पालते हैं, जब पालने का मन हट गया तो उसको रोड पे छोड़ देते हैं, तो उसके मतलब उसके जो ओनर कौन है, जो एनिमल का ओनर कौन है, उसके लिए ज्यादातर चिप लगाते हैं। और आज के दिन में हमारी पब्लिक क्या जानती है कि भाई चिप लगाने से डॉग की वैल्यू बढ़ जाएगी, चिप तो वो सिर्फ 600 रुपए की चिप आती है, डॉग की वैल्यू उसमें कुछ नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे ही रेप्टाइल को भी ट्रैक करके रखने के लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल खोला है परिवेश, तो उसमें काफी सारे एनिमल रजिस्टर होते थे अभी नहीं हो रहे, तो अभी जिसके पास पेरेंट्स हैं उन्हीं के बच्चे जाके हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ, जैसे अभी मैं आपको एक एनिमल दे रहा हूँ वो एनिमल की आपको अगर बिल मिल गई ना तो उस पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हो, विदाउट बिल आप रजिस्टर नहीं करा सकते। और जो जैसे लोकल बिल नहीं चलेगी, जैसे मेरा शॉप रजिस्टर्ड है कर्नाटका aquarium@gmail.com, आप aquariums@gmail.com आप जाके मेरे मेल आईडी पे भी चेक कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक कर सकते हैं, और जो मेरा कर्नाटका एक्वेरियम नाम है वो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। आप मेरे बोर्ड पे देखिए मैं कर्नाटका एक्वेरियम लोगों के बाजू आर लगाया हुआ हूँ, तो उसका मतलब है रजिस्टर्ड है। तो ऐसे ही रजिस्टर पेट शॉप के जो पेट्स हैं वही आपको डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं दे सकते। और सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल दिया तो मैं सॉरी मांगना चाहूंगा, और इससे ज्यादा आपको बोर करने से ज्यादा मैं अभी आपको एनिमल्स दिखाता हूँ, काफी ब्यूटीफुल एनिमल्स हैं, पेपर लोग तो आप देख लिए होंगे, और मैं अभी काफी एग्जॉटिक एनिमल्स दिखाने जा रहा हूँ जो आज तक मैं किसी भी चैनल पे नहीं दिखाया हूँ क्योंकि SJ भाई ने मुझे काफी अच्छा सपोर्ट किया है। आपको पता है मेरे पास जो पहले यूट्यूबर जो एक बंदा आता था वो थोड़ा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, इस वजह से मैं उसको बुला नहीं रहा हूँ अभी, ये चैनल पे मैं बताना नहीं चाहता था, फिर भी दिल में जो भड़ास रहती है रखने से दिल्ली घुटन बन जाता है, तो इस वजह से बता देना अच्छा है। और मैं आपको अभी काफी अच्छी स्पीशीज बताने जा रहा हूँ, मेरे पास लेगलेस लिजर्ड है, मॉनिटर्स वरायटी है, इगुआनास वरायटी है, पाइथन्स वरायटी है और स्नेक्स वरायटी है, और इगुआना में थोड़े बड़े इगुआना भी है, ब्लैक एंड व्हाइट टेगू भी है, तो इस सब पे हम जाते हैं। तो सैयद भाईजान फिर सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके पीछे, ठीक आपके पीछे यहाँ पर एक बहुत ही शानदार पाइथन है, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ एंड ऑनेस्टली फ्रैंकली बहुत कुछ रेप्टाइल्स एक्सोटिक पेट्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ पहली बार देखता हूँ कर्नाटका एक्वेरियम में, सो सबसे पहले इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये ब्लैक पाइथन है, ये एक्चुअली बिलोंग करता है इंडोनेशिया से और मलेशिया से, तो ये इंडियन स्पीशी नहीं है पहले, क्योंकि सभी अभी प्रॉपर बताना चाहिए इस वजह से मैं सभी आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, तो ये इंडियन स्पीशी नहीं है, ये मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और ये वाइल्ड में काफी बड़ा हो जाता है और कैप्टिव में ये ऑलमोस्ट आपको 7 feet तक ही लार्ज बड़ा होगा और ये काफी अच्छा साइज होता है, जैसे रेटिकुलेटेड हो गया हमारा, अनाकोंडा हो गया, बर्मिस पाइथन हो गया, तो ऐसे काफी अच्छा मोटा ताजा हो जाता है लेकिन शॉर्ट बॉडी रहती है। तो ये ब्लैक पाइथन है, ब्लैक पाइथन आपको स्टार्टिंग फ्रॉम 75 स्टार्टिंग मिल जाएगा और अडल्ट डिपेंड करता है प्राइस का। तो भाई इस पाइथन का एनक्लोजर सेटअप, ना कि इस पाइथन का बल्कि सारे रेप्टाइल्स का एनक्लोजर सेटअप्स देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ, बिकॉज आपने बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया है, जो जो उनको लगती है वो सब उसमें ऐड किया है, तो
हमारे व्यूवर्स भी जानने में उत्सुक रहेंगे और मैं भी क्यूरियस हूँ, तो क्या हम क्लोजअप से दिखा सकते हैं ये सेटअप पूरा और पाइथन को भी? काफी देखिए ये बात अच्छी है क्योंकि जो रेप्टाइल को नीड रहती है ना जी, जैसे वो वाइल्ड में रहता है तो उसको अगर आप वैसे ही नॉर्मल बना के रखेंगे जैसे वो वाइल्ड में रहना चाहता है जी, वैसे बना के रखेंगे तो काफी अच्छा एनिमल सर्वाइव करता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इसका साइज काफी अच्छा है राइट एंड ये देख सकते हो आप कि सारे जरूरतों का ध्यान दिया गया है, जैसे सबस्ट्रेट हो गया, ये वुड हो गया, पानी है, तो सारी जरूरतों पर एकदम बारीकी से ध्यान दिया गया है। मैं आपको पूरा देखिए सेटअप दिखा देता हूँ, ये चाहे तो ऊपर जा सकता है, पानी चाहिए तो पानी पी सकता है। सो ईच एंड एवरी एनक्लोजर में एकदम प्रॉपर इनके नीड्स का ख्याल रखा गया है। एंड हियर इज दिस ब्यूटिफुल जायंट मेस्मराइजिंग ग्रेसफुल पाइथन, ये अभी सो रहा है बट मैं आपको इसको बहुत क्लोजली दिखा रहा हूँ, एंड मैं खुद इसे पहली बार इतने क्लोजली देख रहा हूँ। तो ब्लड पाइथन के बाद अगला एक्सोटिक रेप्टाइल हम देखने जा रहे हैं जो भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। सो कौन सा है भाई नेक्स्ट रेप्टाइल? भाई ये राइनो इग्वाना है। ओके और ये ऑलमोस्ट 3.5 फुट का जो है राइनो इग्वाना है। अच्छा, और ये अगले साल ब्रीड चालू कर लेगा जी, तो उतना बड़ा साइज है ये। अच्छा, और राइनो इग्वाना वन ऑफ द रेयरेस्ट स्पीशी ऑन अर्थ आप ये बोल सकते हो। ओके, क्योंकि काफी रेयर स्पीशी है और इसको राइनो इग्वाना इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके जो फेस पे है राइनो जैसे 3 सिंग आते हैं। ओके, एक राइनो को तो 2 सिंग आते हैं, इसको 3 आते हैं। ओ, तो यह राइनो इग्वाना है और ये डेजर्ट वगैरह में रहते हैं, ज्यादातर इनको डेजर्ट में रहना पसंद है। अच्छा, और इसको जो मैं सब्सक्रेट डाला हूँ एकदम ये बिल्कुल ड्राई डाला हूँ जी, और इसमें आप लाइट देख सकते हैं, एक ब्लू लाइट दिया हुआ है, एक यूवीबी लाइट, यूवीबी ए यूवीबी बी, तो ये दोनों इसमें इनको मिल रहा है। और हेल्थ कंडीशन में एकदम 100% श्योर हूँ कि काफी अच्छे हेल्थ है। अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि इनका हेल्थ कैसा है जी। और राइनो इग्वाना जो है वो हर्बीवरस नॉन हर्बीवरस दो भी खा सकते हैं। okay. जैसे मैं इनको चिकन दे देता हूँ कभी कभार। अच्छा, और वेजिटेबल्स दे देता हूँ, ये हर तरीके का वेजिटेबल्स खाता है, जैसे कॉमन इग्वाना खाता है जी, वैसे ही हर तरीके का वेजिटेबल्स खाता है, और ये चिकन भी खा लेता है, और पिंकीज वगैरह जो माइस वगैरह आता है ये भी खा लेते हैं। okay. तो राइनो इग्वाना अभी जो है मेरे पास 2 पेयर अवेलेबल है, जैसे मैं एक पेयर इधर रखा हुआ हूँ, दूसरा पेयर मैं आपको दूसरी जगह चाहिए तो दिखा दूंगा, तो 2 पेयर अभी मेरे पास अवेलेबल है। ये ऑलमोस्ट आपको 7 लाख रुपीज पेयर का आ जाएगा। okay. और इतना एक्सपेंसिव मत सोचिए क्योंकि काफी रेयर है, इस वजह से एक्सपेंसिव आता है, और काफी अच्छा साइज है जी, इस वजह से भी एक्सपेंसिव आता है जी। तो क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ और आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स की पहली बार देख रहे होंगे, तो क्या मैं क्लोजअप से दिखा सकता हूँ राइनो इग्वाना? 100% भाई। सो ये होता है राइनो इग्वाना, look at that face which is resembling to that of a monster, so I am watching this beautiful reptile for the very first time and I'll also show you little closer. So dekhiye common iguana se baki iguana se kitna hatke, kitna different, kitna zabardast aur khatarnak look iska dikh raha hai, and those fierce eyes, and ye hai uski puri body. So I'll also show you the other rhino iguana which is in this enclosure. But Sayed bhai, यहाँ पे भी आपने जैसे कि कहा कि UVB, UVA सब लगाया हुआ है, ये बड़ा सा लॉक डाला हुआ है, पानी की व्यवस्था है, सबस्ट्रेट आपने इसमें थोड़ा अलग डाला हुआ है, तो ये सारा इनको लगता है प्रॉपरली रखने के लिए? हाँ, जरूरी है भाई। ओके, बिकॉज रेप्टाइल जब भी रख रहे हैं तो उनको प्रॉपर, अगर आप हेल्थ कंडीशन में नहीं रख रहे हैं और प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं तो वैसा पेट रखना ही बेकार है। तो ये रहा दूसरा इग्वाना, अब आप इसकी पूरी बॉडी एकदम क्लियरली देख सकते हो। सो जैसे कि सैयद भाई ने कहा, ये पूरे वर्ल्ड में बहुत रेयर है और इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका एक्वेरियम में ही देखने को मिलेंगे, एंड इनको एकदम प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, बहुत अच्छी तरह से रखा गया है, एज यू कैन सी, जैसे कि मैंने आपको पूरा इनका एनक्लोजर दिखाया ही। सो लुक एट दैट, आई एम वॉचिंग सो क्लोजली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, एंड ये देखिए बिल्कुल अपने नाम के तरह इनका ये जो फेस है, इनका ये जो लुक है, ये जा रहा है, तो कितना रिसेम्बलेंस है इनका राइनोस से। अभी भी हॉर्न नहीं आया है बट फिर भी जो फेस का पीक है, जो सामने का जो कर्व है, वो कितना
ज़बरदस्त है. सो माई हैंड्स आर लिटिल शेकी बिकॉज आई एम गेटिंग सम वॉट स्केयर्ड, बट दिस रेप्टाइल इज सो मैग्निफिशेंट. सो नाउ यू आर वॉचिंग एन एग्जॉटिक पेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. सो ये आप जो देख रहे हो फर्स्ट इंडियन रेप्टाइल पेट शॉप में फर्स्ट टाइम ये एग्जॉटिक पेट आप देख रहे हो. तो क्या है ये सैयद भाई? भाई ये एक्चुअली आपको कैसे लग रहा है, स्नेक की तरह लग रहा है? मुझे स्नेक ही लग रहा है ये. तो ये एक्चुअली स्नेक नहीं है, ये लिजर्ड है. ओके. तो इसका नाम है ये लिजर्ड यानी छिपकली. हाँ. ओके. तो इसका नाम है लेगलेस लिजर्ड. इसको भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है ना जी, एक अलग ही तरीके का मॉडिफाई किया हुआ है. यस. इसका फेस अगर आप देखेंगे तो ब्लूटंग स्किन का है. ओ यस. और बॉडी अगर आप देखेंगे तो पूरी स्नेक की तरह है. एग्जैक्टली. तो ब्लूटंग स्किन को तो पैर आते हैं, इसको पैर नहीं है जी. स्नेक को तो काफी स्मूथ रफ सॉरी स्मूथ ये आती है बॉडी जी, तो एकदम ये रफ आता है थोड़ा. एग्जैक्टली. तो इसको ये, लेकिन ये काफी यूनिक है जी. ये वाकई में बहुत यूनिक है एंड इनक्रेडिबली उतना है. एंड आई थिंक हमारी व्यूवर्स को मैं कहना चाहूंगा, वी मस्ट अप्रिशिएट सैयद भाई बिकॉज ऐसे एग्जॉटिक पेट्स ये लेकर आते हैं. इसको तो मैं पहली बार वेरी ऑनेस्टली वेरी फ्रैंकली बोल रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ. एंड ऑनेस्टली आपको बताना चाहूंगा, मुझे ये पता भी नहीं था नेट के थ्रू भी कि लेगलेस लिजर्ड भी होता है, एक ऐसी लिजर्ड भी होती है जैसे पैर नहीं होते. तो ये मुझे आज पता चला कर्नाटका एक्वेरियम में आने के बाद. आप भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको पता था कि लेगलेस लिजर्ड जैसा भी कोई पेट होता है, कोई एनिमल होता है. तो भाई इसका एंक्लोजर तो हम बता देंगे बाद में, बट ये बताइए कि ये कैसे इसको रखते हैं, कैसा ये रहता है, क्या खाना खाता है? भाई मैं इसको जो है पिंकीज खिलाता हूँ, जो छोटे चूहे के बच्चे आते हैं पिंकीज खिलाता हूँ और सुपर मिलवॉर्म्स खिलाता हूँ. और इसका जो सेटअप है वो एकदम ड्राई में रहना पसंद करता है, इसको थोड़ा भी वेट नहीं चाहिए. पूरा बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए और इसको प्रॉपर हीट मैट लगा के रखना चाहिए और पानी रहना चाहिए एनी टाइम इनक्लोजर में जो है इसके पानी रहना चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग जो है रेप्टाइल्स को पानी नहीं रखते हैं. अरे भाई ये तो इतना हार्ड है कि इसको ज्यादा दिन पानी भी नहीं रखेंगे, खाना भी नहीं रखेंगे तो ये तब भी सरवाइव कर लेगा. लेकिन पेट जो है एनिमल जो है वो डेली उसको खाना रिक्वायरमेंट रहता है. लेकिन वो जब अगर भूखा रहता है तो खुद की जो चर्बी आती है वो अंदर से गला के उसका जो पेट है वो खुद भर लेता है, उतना नहीं भर पाता जितना उसको भरना चाहिए. तो प्रॉपर इसका फूड वगैरह जो है और इसके जो एक्सेसरीज हैं जैसे हाइडिंग प्लेस हो गए, इसका जो कैल्शियम हो गया और टॉर्टाइज फूड हो गया और इनक्लोजर क्लीनिंग के लिए केमिकल्स चाहिए तो वो भी मेरे पास जो है अवेलेबल है. जो भी रेप्टाइल्स के लिए नीड रहती है तो वो सब मेरे पास अवेलेबल है. और इनके प्रॉपर इनक्लोजर्स भी अगर किसी को चाहिए तो ये भी मैं बना के दे दूंगा. आप पूरा बैकग्राउंड देख सकते हैं, तो मैंने इनके लिए प्रॉपर इनक्लोजर्स बना के रखे हुए हैं. तो एज इट इज अगर किसी को चाहिए तो ये भी इंक्लोजर्स आपको मिल जाएंगे. और ऑर्डर देना पड़ेगा आपको कि कितने फीट का चाहिए, कितनी आपके घर पे स्पेस है वगैरह, तो उस पर आपको मिल जाएगा. और इसकी एक और खास बात बोलना चाहूंगा, इसको कान आते हैं. अच्छा. जैसे कि स्नेक्स को नहीं आते कान जी. तो आप इसके साइड में देख सकते हैं कान का जो है वो एक होल है. ओके. तो इसको कान भी आते हैं और ये सुन सकता है जैसे अदर रेप्टाइल्स सुनते हैं. ओके. तो इसके बाद मैं आपको एक काफी ब्यूटीफुल चीज दिखाने जा रहा हूँ और मैं वो खुद के चैनल पे भी अभी तक पोस्ट करके नहीं हूँ, तो उतनी ब्यूटीफुल चीज दिखाने जा रहा हूँ जी सैयद भाई. और इसकी आप अपर बॉडी दिखाना चाहेंगे, बहुत यूनिक है एंड आई एम सो फैसिनेटेड बाय दैट. ये देखिए इसका जो स्किन है, जो टेक्सचर है, ये कितना अलग है. एंड जैसे कि भाई ने कहा कि ये मतलब आधा स्किंक है और आधा सांप है, मतलब देखिए आप इसका फ्यूजन या इसका कॉम्बो, मतलब क्या निराला अद्भुत बनाया है भगवान ने. रेयर है ये. जी जी. ये नहीं कि कॉमन है. Exactly. काफी रेयर. और जो इसका प्राइस है वो 1.5 मतलब 1,50,000 ईच पीस का है. ओके. Okay. काफी रेयर है.
और ये काफी कम ब्रीड करते हैं मेरे पास, क्योंकि ये मेरे पास ऑलमोस्ट 7 साल से जो है ये पड़ा हुआ है पेयर, और अभी जाके इसके सिर्फ 4 ही बच्चे हुए हैं। ओके, तो काफी रेयर बोल सकते हो आप, बिकॉज जो एनिमल ज्यादा ब्रीड नहीं होता उसको रेयर ही बोला जाता है, तो ये भी काफी रेयर स्पीशी है। और अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका एक्वेरियम में ही मिलेगा। हाँ, एग्जैक्टली, पूरे इंडिया में। एग्जैक्टली, वो भी चैलेंज के साथ। ऑसम। सो ये देखिए अगले रेप्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छी हेल्थ कंडीशन है, आप देख सक रहे हैं कितना, अभी इसका रोटेट देखिए आप, काफी हेल्थ में अच्छा है। एग्जैक्टली, और मेरे पास जो बाकी पीस भी हैं वो काफी ब्यूटीफुल हैं, काफी अच्छे हेल्थ के हैं। यस, और ये मैं ऐड करना चाहूंगा कि ईच एंड एवरी रेप्टाइल, एवरी एग्जॉटिक पेट बहुत अच्छी तरह से रखा गया है, बिकॉज मैं खुद देख रहा हूँ यहाँ पर खाने से लेकर इनके मेंटेनेंस से लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सो ये ऐसे ही नहीं इंडियाज फर्स्ट रेप्टाइल शॉप है, बल्कि मेंटेनेंस में, क्लीनलीनेस में, हाइजीन में भी ये सभी चीज़ों पर, सभी फैक्टर्स पर खड़े उतरे हैं, एंड ये मैं आपको वीडियो में दिखा ही रहा हूँ। सो आखिरी बार इसके मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूँगा बिफोर वी प्रोसीड। ये देखिए, वेरी वेरी डैम इनक्रेडिबल। सो अगला एग्जॉटिक एनिमल जो आप देखने जा रहे हो वो भी बहुत यूनिक और अनकॉमन है इन इंडिया। सो योर इज प्रेजेंटिंग बिफोर यू दिस इनक्रेडिबल अमेजिंग मॉनिटर। सो इसके बारे में हम जानेंगे, बट आई विल फर्स्ट शो यू द एनक्लोजर। ये देखिए पानी में जा रहा है, पानी रखा हुआ है हमेशा, एंड सब्सट्रेट भी देखिए, ये ऐसा इन्होंने नीचे वुडन लॉक टाइप कुछ रखा हुआ है। आई थिंक इट्स अ बार्क ऑफ अ ट्री सो दैट दे कैन हाइड अंडर इट एंड जब चाहे पानी पी सकते हैं। सो देखिए बहुत क्लीन तरीके से, बहुत हेल्दी वे में इनको रखा गया है। सो दे आर रोमिंग अराउंड फ्रीली, एकदम फियरलेसली। देखिए आप इसकी पूरी बॉडी भी देख सकते हो, एकदम प्रॉपर, एकदम क्लीन है, ऑल अप केप्ट वेरी नीटली। सो हम इसको बाहर लेते हैं और प्रॉपरली देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो ये रहा अगला शानदार रेप्टाइल। तो क्या नाम है सैयद भाई इसका? भाई इसका नाम है वाटर मॉनिटर। वाटर मॉनिटर, वाटर मॉनिटर, काफी सारे वाटर मॉनिटर आते हैं, उसमें से एक इसका नाम स्पीशी है क्विंस मॉनिटर, और ये काफी बड़ा हो जाता है। ये ऑलमोस्ट आपका 12 फीट तक विथ हेड टू टेल, इसका 12 फीट तक चला जाता है, और ये इतना बड़ा हो जाता है कि आराम से एक जो गोट आता है वो गोट को ही आराम से खा लेगा। तो ये उतना बड़ा हो जाता है। ओके, अभी इसकी क्या साइज है भाई? अभी इसकी ऑलमोस्ट आप रख लीजिए 3.5 फीट। ओके, और इसकी साइज आपको जब बढ़ने लगेगी ना जी, और ये थोड़ा अभी पहले जाड़ा होगा जी, जाड़ा माने लगभग 1.5 फुट का जो जाड़ा होगा ना जी, तब इसका काफी अच्छा साइज दिखने में आ जाएगा। ओके, और वाटर मॉनिटर्स का जो डाइट है ये काफी अच्छा है और काफी लो मेंटेनेंस है इन सब चीजों का। ओके, क्योंकि इनको ज्यादातर हम लोग वाटर में ही रखते हैं। अच्छा, ज्यादातर हम लोग इनको वाटर में रखते हैं, क्योंकि वाटर माने सब्सक्रेट जो है वो थोड़ा गीला रखते हैं, और अलग से इसको पानी में हम टब रख देते हैं, सॉरी टब में पानी रख देते हैं, तो जब चाहिए इसको सोकिंग मिलती रहे, और इनको प्रॉपर यूवी भी लाइट 12 आवर देना चाहिए, क्योंकि इनको जितना हीट मिलेगा ये उतना अच्छा डाइजेशन करेंगे, और प्लस डाइजेशन से हमारे को प्रॉफिट क्या होगा कि खाना अच्छा खाएगा, और जैसे खाना अच्छा खाएगा तो ये ग्रोथ भी अच्छा कर लेगा, और इसकी ग्रोथ में ज्यादातर हम इसको जो है इसको बढ़ाने के लिए चिकन मीट और फिर पिंकीस वगैरह हो गए और चूहा हो गया, तो ये मैं इनको ज्यादा प्रिफेर करता हूँ, बिकॉज इनका जो बोन कैल्शियम है, बोन से आपको पता है कैल्शियम मिलता है काफी अच्छा। ओके, बोन से कैल्शियम मिलता है काफी अच्छा, तो मैं ज्यादातर इसको सिर्फ बोन पे ही रखना चाहता हूँ। और मेरे पास अभी ब्लैक ड्रैगन भी है, जिसको वो भी मॉनिटर ही है, ब्लैक ड्रैगन वाटर मॉनिटर भी बोलते हैं उसको, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और जो इसका प्राइस है ये 1,85,000 रुपीज सिंगल पीस का है, और इसमें एक और जो है मेरे पास ब्लैक कलर, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसके भी स्पेसिफिकेशन बता दूंगा, और वो भी कितना बड़ा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसको मैं अभी इनक्लोजर में छोड़ देता हूँ, बिकॉज
ये इधर पे रहेगा तो दूसरे पेट इससे डर जाएंगे। जी जी। तो इसको मैं अभी इंक्लोजर में छोड़ देता हूँ। तो ये देखिए अभी तो फिलहाल सिर्फ एक हाथ के इतना है, बट एक टाइम के बाद ये 12 फीट जितना बड़ा हो जाएगा। सो यू कैन इमेजिन एक मतलब दो इंसानों की हाइट जब आप मिलाएंगे उससे ज्यादा ये बड़ा होगा। और ये एज इट इज जैसे स्नेक्स वगैरह शेड करते हैं जी, तो ये सेम शेडिंग पे भी सेम ही शेड करेगा ये। ओके। और यूएस वगैरह में इसका मार्केट काफी अच्छा है और हमारे इंडिया में अभी अभी काफी अच्छा ग्रो हो रहा है इसका। और मैं इसके वीडियोस वगैरह भी अभी डालना चालू कर रहा हूँ बिकॉज इसका भी थोड़ा लोगों को अभी क्रेज अच्छा लग रहा है। जी जी। एज अ डॉग की तरह इसको पाल सकते हैं, बेल्ट बांध के इसको वॉकिंग पे भी लेके जा सकते हैं जब अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। ओके। काफी ब्यूटीफुल ट्रेन होगा ये और आपको काफी अच्छा सुनेगा समझेगा ये। तो अभी मैं इसको इनक्लोजर में छोड़ देता हूँ। तो ये गया इनक्लोजर के अंदर। ब्यूटीफुल। अब देखेंगे अगला मॉनिटर लिजार्ड। अभी आप ये देख सकते हैं ये ब्लैक ड्रैगन वाटर मॉनिटर है, ये फुल जेट ब्लैक आता है। आप इसका आइस ले लो या नेल ले लो, कुछ भी आप इसमें चेक कर लो, ये पूरा जेट ब्लैक का आएगा। जो अभी व्हाइट स्पॉट इसके पीछे के पैर पे दिख रहे हैं और बॉडी पे थोड़ा आपको व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं, लेकिन ये प्योर व्हाइट स्पॉट नहीं है। ये जैसे जैसे बड़ा होगा ये तो पूरा जेट ब्लैक हो जाएगा और अभी बच्चे में ये ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। ओके। और ये भी काफी अच्छा बड़ा हो जाता है, जैसा मैं क्विंस मॉनिटर को अभी बता रहा था, ये एज इट इज सेम साइज में। और मुझे तो आप अगर मेरा डिसीजन सुनना चाहेंगे तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे ब्लैक ड्रैगन वाटर मॉनिटर काफी ब्यूटीफुल लगता है, काफी रेयर लगता है। और बिकॉज ये हमारे इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होता और आप सब लोगों को पता है कि भाई कर्नाटका एक्वेरियम सिर्फ और सिर्फ एग्जॉटिक पे ही ध्यान देता है, तो मुझे ऐसे एनिमल्स काफी अच्छे लगते हैं। और जो ज्यादा बड़े हो जाते हैं वो एनिमल्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसी और के पास वैसा पेट नहीं रहना चाहिए जो पेट मेरे पास है, बस मेरा दिमाग उसी में लगा रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं मेरे पास प्रॉपर मेल फीमेल है, मैं आपको बता दूंगा प्रॉपर मेल फीमेल है। जो फीमेल है अभी वो अंदर डिक करके छुपी हुई होगी, पता नहीं किधर है फीमेल। सो ये ऐसे डिक करके बैठते हैं भाई, उनको ज्यादातर कोल्ड पसंद है तो ज्यादातर कोल्ड में ही। देखिए इधर थोड़ा लकड़ा हिल रहा है, आप ओ, ये देखिए यहाँ पर है, आप इधर देख सकते हैं। इनको ज्यादातर लकड़े में छुपके रहना पसंद है, इसी वजह से मैंने ऐसी सब्सक्राइब जो है मंगा के रखी हुई है जी। बिकॉज इनका जो इन्वायरमेंट है ये प्रॉपर हेल्थ कंडीशन में रहेगा तो हमारे को बहुत अच्छा है, बिकॉज एनिमल कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ओके। तो छुपके बैठी थी वो ये वाली थी। हाँ ये फीमेल है। ओके। और इसमें आप इसका फेस देख सकते हैं, ये प्रॉपर फीमेल है और इसमें इसके फेस से ही पता चलता है, जो इसका शार्पनेस है इसमें पता चल जाता है आपको ये फीमेल है जी। और इसका जो मेल है ये मैं आपको बता दूंगा, मेल थोड़ा काफी अच्छा है और इसका आप कलर देख सकते हैं एकदम जेट ब्लैक। यस। वाटर मॉनिटर तो इसमें मेरे पास अभी आप इधर देख सकते हैं मेल फीमेल दोनों अवेलेबल हैं, और क्विंस मॉनिटर में भी मेरे पास मेल फीमेल अवेलेबल है। और क्विंस मॉनिटर का भी एज इट इज ऐसे ही है, मॉनिटर्स वैरायटी की थोड़ी ऐसी ही टेंशन है, ढूंढना पड़ता है इनको क्योंकि जाके छुपने में ज्यादा ये करते हैं। yes. इधर आप देख सकते हैं ये जो है फीमेल निकल रही है और जो इधर से निकल रहा है ये मेल है, तो इसमें इजीली आप इनको पहचान सकते हैं मेल फीमेल कैसा लगता है। तो ये ऊपर जो बैठी हुई है ये फीमेल है। ओके। तो दोनों काफी अच्छे हेल्थ कंडीशन में है और इनका जो फीडिंग दे रहा था मैं माइस पिंकी जो आप वो शूट करे हैं वो भी वीडियो आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं जी। तो अभी मेरे पास जो है ब्लू इग्वानास है। ओके। जो काफी अच्छे हमारे इंडिया में फास्ट मूविंग इग्वानास है वो ब्लू इग्वाना है, आप इनका भी सेटअप देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल लगाया हुआ है, प्रॉपर फूड आप देख सकते हैं, प्रॉपर वाटर आप देख सकते हैं। और उनके लिए जो है सिटिंग के लिए मैंने इधर एक प्लेस बनाई है, अगर नीचे आके बैठना है तो इधर बैठ सकते हैं,
या फिर यूवीबी लेने के लिए ड्रिफ्ट रूट पे बैठ के आराम से यूवीबी हीट का मजा ले सकते हैं ये। और सेम एज इट इज मेरे पास काफी अलग अलग इगुआनास हैं जो मैं आपको अलग अलग सेटअप्स में बताऊंगा। आप लुटिनो इगुआना देख सकते हैं। और पहली बात तो मैं बता दूं, ब्लू इगुआना का प्राइस आपको पड़ जाएगा 25,000 रुपीज पर हेड, और आप लुटिनो इगुआना दिखा सकते हैं। इधर लुटिनो इगुआना है, और मेरे पास आप उधर ऊपर देख सकते हैं स्नो इगुआना और लुटिनो इगुआना दोनों बैठे हुए हैं। तो लुटिनो इगुआना का प्राइस आपको पड़ जाएगा 35,000 रुपीज लुटिनो इगुआना का पड़ जाएगा, और स्नो इगुआना का पड़ जाएगा आपको 85,000। और लुटिनो इगुआना भी इसमें काफी सारे हैं जो नीचे बैठे हुए हैं काफी सारे लुटिनो इगुआनास हैं, और ये भी प्रॉपर हेल्थ कंडीशन वगैरह प्रॉपर है, क्योंकि मैं इनको प्रॉपर यूवीबी लाइट और प्रॉपर इनका जो फूड है वो दे रहा हूँ। और आप रेगुलर इगुआना पे आ जाएंगे तो अगर मेरे पास आप चेक कर लेंगे काफी अच्छे हेल्थ कंडीशन में, प्लस ग्रीन इगुआनास ये ड्रिफ्ट रूट पे जैसे बैठे हुए आप इनको देख सकते हैं कि काफी अच्छे हेल्थ कंडीशन में है ये। और ये हो गए आपके ग्रीन इगुआनास। तो ग्रीन इगुआना आपको पड़ जाएगा 9,000 रुपीज पर हेड, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, ओनली एट कर्नाटका एक्वेरियम। तो मेरे पास अभी रेड इगुआना भी है, रेड इगुआना भी मैं आपको बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं रेड इगुआना है, ये भी काफी अच्छी हेल्थ कंडीशन में है, और हेल्थ के मामले में आप इसमें थोड़ा भी कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि हेल्थ के लिए क्या चेक इनके बारे में क्या चेक करूं, क्योंकि ये हेल्थ में काफी अच्छे हैं और प्रॉपर डाइट फीड प्रॉपर ले रहे हैं। तो और मेरे पास अभी इसमें इगुआनास में ही किसी को अगर छोटे इगुआना लेने में डर हो रहा है या फिर कहीं मर जाएंगे ऐसा किसी को लग रहा है, तो वैसे लोगों के लिए मेरे पास साइज में भी काफी अच्छे साइज में आपको मिल जाएंगे। आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो है ब्लू इगुआना में ऑलमोस्ट 2.5 feet के ब्लू इगुआनास है, और रेड इगुआनास है, और ग्रीन इगुआनास है। तो तीनों कलर के मेरे पास अवेलेबल है, ये ऑलमोस्ट 2.5 feet के इगुआनास है। ये ईच पीस आपको पड़ जाएगा 32,000 रुपीज, क्योंकि ये काफी अच्छे साइज में है, और आप इसमें ब्लू लीजिए, रेड लीजिए या फिर ग्रीन लीजिए, तो ये आपको पड़ जाएगा 32,000 रुपीज पर हेड। और मैं अभी इसके बाद आपको बताना चाहूंगा टॉर्टाइज वैरायटी, क्योंकि टॉर्टाइज वैरायटी काफी अच्छी सेल होती है हमारे इंडिया में, बिकॉज वास्तु के लिए जो भी आदमी लेके जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वास्तु के लिए लेके जाते हैं। और ये देखिए कितना बड़ा एनक्लोजर इन्होंने बनाया है, वहां पे एक टॉर्टाइज देखिए खाना खा रहा है। तो बहुत सारे स्पीशीज इसमें दिख रहे हैं, कौन से है भाई? तो भाई इसमें काफी सारे स्पीशीज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 species है, और मैं वो तीनों स्पीशी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये हो गया आपका सुलकटा टॉर्टाइज जो वर्ल्ड 3rd largest टॉर्टाइज है। अच्छा, और ये आपका हो गया अल्डब्रा टॉर्टाइज। ओ, ये अल्डब्रा है। हाँ, अल्डब्रा टॉर्टाइज है, ये वर्ल्ड 2nd largest टॉर्टाइज है। और आपका जो ये बेबी सुलकटा है, ये आप बेबी सुलकटा देख सकते हैं, बेबी सुलकटा का प्राइस है 25,000 रुपीज पर ईच हेड। यहाँ पर भी है, देखिए बेबी सुलकटा सो रहा है, अभी सो रहा है जी, और ये प्रॉपर इनको हीट मिल रही है। आप इधर हाथ डाल के देख सकते हैं, प्रॉपर हीट मिल रही है इनको। इसी वजह से जो है टॉर्टाइज इधर पे बैठे हुए हैं, इनको प्रॉपर हेल्थ कंडीशन वगैरह के लिए इधर मैंने, आप ये टच करके देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। और ये इतना लकड़ा जैसे दिख रहा है, लेकिन ये लकड़ा जैसा नहीं है, ये स्पॉन्ज जैसा है। आप ये चेक कर सकते हैं, ये प्रेस हो रहा है, तो काफी अच्छा है इनको रहने के लिए, काफी अच्छा इंक्लोजर है, प्रॉपर इंक्लोजर बनाया हुआ है मैंने, बिकॉज इसमें सिर्फ छोटे टॉर्टाइज ही आएंगे। जो भी बड़े टॉर्टाइज आएंगे ये मेरे खुद के घर पे रहेंगे, उनको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से काफी बड़े टॉर्टाइज भी मेरे पास आते हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास अभी लास्ट टाइम आया था सलकटा टॉर्टाइज, वो ऑलमोस्ट 38 किलो का एक सिंगल पीस टॉर्टाइज था। तो वैसे भी टॉर्टाइज आते हैं, तो वो टॉर्टाइज जब भी आते हैं तो मैं मेरे घर पे रखता हूँ। और वो तीसरा, और ये हो गया आपका रेड फुट टॉर्टाइज, ये भी काफी अच्छे साइज में है। आप इसका साइज देख सकते हैं, काफी अच्छे साइज में है ये भी, और इसका प्राइस है 48,000 रुपीज। और इसका जो डाइट वगैरह है, जो मजूरी जिसको बोलते हैं, प्रॉपर टॉर्टाइज फूड डाइट के लिए मेरे पास डाइट भी है। और ये अल्डाब्रा कितने में आएगा भाई? अल्डाब्रा एक सिंगल पीस 3.5 lakh रुपए का सिंगल पीस आएगा, ये साइज का। हाँ, यही साइज का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी काफी अच्छा साइज है, ये छोटा साइज नहीं है। आप इसको देख सकते हैं, ये पूरा पाम साइज है। तो ये भी काफी अच्छा साइज है, बिकॉज
जब ये मेरे पास हैच किए हुए थे तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही थे। ओके तो अभी ये ग्रो हो चुके हैं, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरे पास 1.5 साल का टॉर्टाइज है। ओके और 1.5 साल में काफी अच्छा साइज है इनमें। तो भाई मुझे काफी लोग ऐसे फोन करते हैं जो ब्राह्मिन्स रहते हैं कि उनको स्नेक रखना पसंद है लेकिन वो चूहे को नहीं खिला सकते, तो वैसे लोगों के लिए मेरे पास काफी ब्यूटीफुल स्नेक्स हैं। भाई अंडा खिला दो यार, काफी अलग स्नेक है, आप इसको अंडा खिला दो, आप ये देख सकते हैं ये काटेगा नहीं। ये अफ्रीकन एग ईटर बोलते हैं इसको, ये जो क्विल का अंडा आता है जी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आप अंडा देख सकते हैं, ये क्विल एग है जो जिसको तीतर बोला जाता है हमारे कर्नाटका में जी, तो ये क्विल एग है। ओके आप अगर गूगल पे भी सर्च कर लेंगे क्विल के बारे में तो आपको बता देगा। तो ये अंडा है जो ये स्नेक खाता है। ओके काफी रेयर स्नेक है और इसको सभी लोग रख सकते हैं जो लाइव एनिमल को नहीं खिलाना चाहते, वैसे लोगों के लिए काफी ब्यूटीफुल स्नेक है अफ्रीकन एग ईटर। और ये एग ईटर ऐसा है कि भाई एग ये इसी के नहीं खाता है, ये दूसरों के चुरा के एग खाता है, जैसे पंछिया वगैरह अंडा डालते हैं उनके एग चुरा के खाता है, इसको आप चोर भी बोल सकते हैं अफ्रीकन एग ईटर को, क्योंकि काफी सारे जिंदगियों को ये जंगल में खा लेता है जो अभी पैदा ही नहीं हुए, तो वो वाइल्ड। तो इसको पालेंगे तो कितना टाइम अंडे देने, कितने बार अंडे देना पड़ता है भाई? आपको इसको ऑल्टरनेटिव डे भी दे सकते हैं, क्योंकि जितना माइस डाइजेशन करता है ये उतना टाइम नहीं लेता है अंडा डाइजेशन करने में, ये काफी जल्दी अंडा डाइजेशन हो जाता है, तो इसको ट्वाइस दे सकते हो, वीकली ट्वाइस दे सकते हो, वीकली 3 दिन भी दे सकते हो, 3 बार भी दे सकते हो, जैसे ऑल्टरनेटिव डे भी दे सकते हो शेल के साथ। हाँ शेल के साथ, वो शेल के साथ निगलेगा और उसको उसके अंदर का जो है वो निकाल के फिर शेल बाहर डाल देगा। ओ अमेजिंग, तो ये काफी अमेजिंग ही है क्योंकि पहली बार बता रहा हूँ मैं जी, अभी तक के इंडिया में काफी लोगों को पता नहीं है कि भाई अंडा खाने वाला भी स्नेक आता है, आई थिंक आप भी पहली बार ही देखे हो। वेरी ट्रू। हाँ तो ऐसे भी मेरे पास स्नेक अभी अवेलेबल है, जिसको भी चाहिए फटाफट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कर्नाटका एक्वेरियम। तो अभी मैं दूसरा स्नेक बताने जा रहा हूँ जो काफी प्लेफुल है और काफी अच्छा स्नेक है और काफी रेयर भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि मैं पहली बार बताने जा रहा हूँ। ये हो गया आपका हॉग नोज। हाँ हॉग नोज पाइथन, आप इसकी नोज देख सकते हैं, एकदम पता नहीं यार क्या सोच के रखे लेकिन हॉग नोज इसका नाम है। ओके काफी ब्यूटीफुल है। वाओ ये देखिए हॉग नोज, इसकी पैटर्न देखिए, ओएमजी। और ये इसमें हॉग नोज में भी ये अलग म्यूटेशन है, इसको कोंडा मॉर्फ बोलते हैं। अच्छा अनाकोंडा नहीं, कोंडा मॉर्फ। ओके तो ये हॉगनोस है, हॉगनोस भी मेरे पास पेयर है। ओके आप ये देख सकते हैं पेयर है जी, इसमें मेल फीमेल आराम से है, तो ब्रीडिंग के लिए किसी को अगर लेना है तो ले लो, कोंडा मॉर्फ है, काफी अच्छा मॉर्फ है। ओके वाओ ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है, कितने इनक्रेडिबल है, खास करके इनकी जो पैटर्न्स है बॉडी के ऊपर, पूरी हेड टिल टेल है, एंड ये पैर आप देख रहे हो, वाओ। तो ऐसे आपको अद्भुत एक्सोटिक पेट्स देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका एक्वेरियम में, इंडिया में, अमेजिंग। तो ये क्या खाना खाता है भाई? इसको आप चिकन भी खिला सकते हो। अच्छा और चूहा भी खा लेगा। ओके और ये जब इनको लगा कि भाई ये कोई इनको तकलीफ दे रहा है, ये ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, मरने का नाटक करते हैं। आप इनको अच्छा यूट्यूब वगैरह पे देखिए। ओके ये मरने का नाटक करते हैं, ऐसे उल्टे पड़ जाते हैं। ओह ये स्नेक कभी भी ऐसे उल्टे पड़ जाते हैं, अगर इनको मरने मतलब कोई इनको तकलीफ दे रहा है ना, यस, तब ये बहुत मरने का नाटक करते हैं। वाओ ये तो काफी इंटरेस्टिंग डिफेंस मैकेनिज्म हो गई बचने के लिए। हाँ हाँ अद्भुत है। और ये सभी स्नेक्स नॉन वेनमस आते हैं। ओके तो मेल फीमेल अभी जैसे आप देख रहे हैं अवेलेबल है मेरे पास जी, ऑल ओवर इंडिया ये भी डिलीवरी अवेलेबल है, और इनके आप इंक्लोजर्स वगैरह देख सकते हैं, प्रॉपरली मैंने इनको कस्टमाइज कराया हुआ है। यस
जिसको जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे मैंने कस्टम कराया हुआ है। जैसे काफी सारे लोग मुझे फोन करते थे, भाई आपके पास ये स्नेक है यार, आप ऐसे रखे हो जी, तो इनको प्लीज ऐसे मत रखो। तो भाई अभी मैंने ऐसा इनक्लोजर्स बनाया हुआ है कि भाई ये प्रॉपर सेटअप में रहे, इनको 24/7 पानी चाहिए तो पानी मिलता रहे, इनको जिसकी जरूरत है वो सब चीज इनमें मिलती रहे। और ये आप देख सकते हैं किंग स्नेक, किंग स्नेक, हाँ किंग स्नेक, काफी ब्यूटीफुल स्नेक है किंग स्नेक। और इसमें जो इसका मदर है मैं आपको वो भी बता दूंगा, सॉरी फीमेल जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा किंग स्नेक की। तो ये हो गया आपका किंग स्नेक। किंग स्नेक में मेरे पास एक फीमेल भी है, बहुत बड़ी, काफी अच्छी। तो ये आप देख सकते हैं किंग स्नेक का जो अलग अलग म्यूटेशन है मेल फीमेल का, वो आप देख सकते हैं। वाओ, लुक एट दोस विजुअल्स। एक फ्रेम में आपको बहुत कमाल का नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये वाली है फीमेल, हाँ ये वाली आपकी फीमेल है और ये वाला आपका मेल है। okay. क्योंकि फीमेल को ज्यादातर 2 साल होना चाहिए ब्रीडिंग करने के लिए। अच्छा। और मेल 1 साल में ही ब्रीड कर सकता है। तो कभी भी हम जैसे अच्छे म्यूटेशन का मिले, आप इसका मॉर्फ देख सकते हैं, काफी अच्छे म्यूटेशन का मॉर्फ है। yes. तो इसको हमने इसके साथ लगाया हुआ है ताकि इसके अंडे बच्चे अच्छे निकले जी। और जब ये ब्लैक और ये कलर दोनों मिलेगा तो काफी अच्छे यूनिक कलर के बच्चे निकलेंगे। Exactly. तो इसमें म्यूटेशन करना कोई अलग गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि भाई म्यूटेशन करने से उनकी इंडियन एनिमल्स को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो भाई प्रॉब्लम 100% नहीं हो सकती, बिकॉज ये एग्जॉटिक स्पीशी है और ये कभी भी इंडिया में बिलोंग नहीं कर सकते। Okay. तो ये एग्जॉटिक स्पीशी है। सो लुक एट द लेंथ ऑफ दिस स्नेक। Wow. Here is a snow white beauty and यहाँ पे एक python morph है। So कौन से है भाई ये? भाई ये आपका पाइड बॉल हो गया। ओके। और ये भी काफी अच्छा है और ये ऑलमोस्ट 1 साल का बच्चा है। अच्छा। आप इसका साइज भी देख सकते हैं, काफी अच्छे साइज में है और हेल्थ वगैरह आप इधर चेक कर सकते हो। और इसका वेट भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छा इसका वेट बना हुआ है जी। तो ये 1 साल का पाइड बॉल पाइथन है। ये 150,000 का पीस आएगा। बॉल पाइथन के बारे में मैं ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, बिकॉज बॉल पाइथन के बारे में मैं सभी कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपके वीडियो में पहले से। तो बस मैं और मॉर्फ और प्राइस के बारे में ही बताऊंगा। तो इसका नाम है पाइड बॉल पाइथन और इसका प्राइस है 1,50,000 रुपीज सिंगल पीस। और ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, बिकॉज ये थोड़ा आपको लूसी स्टिक पाइथन है, लेकिन इसमें लूसी स्टिक में ब्लू आई आप इसके देख सकते। ओ जी जी बिल्कुल। ये लूसी स्टिक में भी इसका जो है बेल, इसका नाम है बेल, लूसी बेल बोलते हैं इसको। ओके। और ये प्योर व्हाइट मिल्की व्हाइट में आता है। और ये आपको लग रहा होगा कि भाई इसने शेडिंग करी हुई है जी, तो अभी तक इसने शेडिंग नहीं करी हुई है, इसका प्योर व्हाइट कलर ऐसे ही है। आप इसका कलर देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल, काफी रेयर कलर है। यस। और भाई फिर भी साइंटिस्टों को मानना पड़ेगा कि भाई ये सब कलर कैसे निकाल लिए इन लोगों ने। राइट। काफी ब्यूटीफुल लग रहा है यार, वेरी ब्यूटीफुल, अलग ही जी, कुछ अलग ही लग रहा है। तो ऐसा भी बॉल पाइथन आता है, लूसी स्टिक बॉल पाइथन। तो इसका प्राइस है 2,50,000 रुपीस। ओके। लूसी स्टिक बेल इसको बोला जाता है। तो ये है फीमेल और जो पाइड बॉल आपको मैंने बताया है वो भी फीमेल है। और मैं आपको दूसरे स्नेक्स दिखाना चाहूंगा जो दूसरे और थोड़े रेयर हैं, क्योंकि लूसी बेल वगैरह भी आजकल कॉमन हो गए हैं। मेरे पास खुद के पास हर साल में 20 से 25 स्नेक जो है ब्रीड हो जाते हैं। अच्छा। तो इसी वजह से मैं लूसी स्टिक को कॉमन ही समझूंगा। और ये आप देख सकते हैं मैक्सिकन किंग स्नेक, ब्यूटी ऑफ द स्नेक। जैसे अभी मैं आपको प्योर व्हाइट दिखा रहा था और ये जेट ब्लैक स्नेक है, तो पूरी ब्लैक ब्यूटी है। हाँ, ये ब्लैक ब्यूटी है, वो व्हाइट ब्यूटी थी जी। तो अभी आप इसको देख सकते हैं, इसका नाम है मैक्सिकन ब्लैक किंग स्नेक। एक्चुअली बिलोंग करता है मैक्सिको से। ओके।
तो ये जेट ब्लैक है और ये इसको हम लोग पिंकी देते हैं या फिर माइस देते हैं। पिंकी माने जो भी माइस का बच्चा आता है जो एक बाल भी नहीं आके रहता है उसको बोलते हैं पिंकी। और पिंकी जिंदा पिंकी नहीं दे सकते हम, जो फीमेल के पास मर जाता है वैसा सेलेक्ट करके इसको खिलाना पड़ता है। और मरने के एक घंटे बाद भी हम लोग इसको फीड नहीं दे सकते बिकॉज उसमें जेम्स पैदा हो जाते हैं। मरने के 15 मिनट के अंदर हम लोग उसको खिलाना चाहिए। तो अभी ये तो काफ़ी अच्छा बड़ा हो गया है तो ये ऑलमोस्ट अभी माइस खा लेता है तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो आप इसका देख सकते हैं ये मैक्सिकन ब्लैक किंग स्नेक है तो इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 1,50,000 रुपीज। और इसकी आप टेल का गेम देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये टेल काफी अच्छे से शेक करता है। देखिए ओ यस काफी अच्छे से ये शेक करता है, ऐसा लगता है कि भाई ये वेनमस रहेगा। राइट ये मुझे रैटल स्नेक के जैसा याद आ रहा है, डेंजर दिख रहा है, देखो टेल हिला रहा है, वेनमस होगा। तो ये वेनमस वगैरह कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। हमारे इंडिया में ज्यादातर ब्लैक स्नेक देखेंगे तो भाई पहले तो चिल्ला देंगे, बोलेंगे वेनमस है जी। अरे काला सांप देखा यार, इतना बड़ा इतना मोटा वेनमस है, तो ये पहली बात वेनमस नहीं है जी। तो मैं दूसरा स्नेक बताना चाहूंगा, ब्यूटी स्नेक। ये आप देख सकते हैं ये मिल्क स्नेक है। ओके इसको मैं अभी हाथ में नहीं लूंगा, आप इधर देख सकते हैं इसका फीडिंग जो है अभी डाइजेशन नहीं हुआ है। ओके तो इसका थोड़ा मतलब मोटा दिख रहा है जी, तो अभी इसका डाइजेशन नहीं हुआ है तो इसको मैं अभी हाथ में नहीं लूंगा जी। तो ये मिल्क स्नेक है, ये भी आप देख सकते हैं स्ट्राइप्स वगैरह के काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। ये ऑलमोस्ट 1.5 feet का जो है इसका साइज है जी। इसका जो प्राइस है वो 95,000 रुपीज सिंगल पीस का है। और इसमें भी आपको मेल फीमेल चाहिए मेल फीमेल मिल जाएंगे। ओके और मैं अगर आपको डेंजरस स्नेक में आप देखना चाहते हैं जैसे कि भाई कुछ अटैक करने वाला सांप दिखा दो जी, तो भाई मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा थोड़ा बहुत मतलब वेनमस तो है नहीं जी, क्योंकि हम लोग वेनमस इंडिया में सेल नहीं कर सकते जी, वेनमस तो नहीं है लेकिन थोड़ा डेंजरस लुक में आप इसको देख सकते हैं। इस पे इंग्लिश मूवीज वगैरह भी बनाया गया है। ओके तो आप इधर देख सकते हैं ये थोड़ा डेंजर लुक है इसका जी, काफी डेंजर लुक है, अटैक नहीं करेगा आप टेंशन मत लीजिए, काफी थोड़ा डेंजर लुक है आप इधर देख सकते हैं। ये हाथ पे ही देख रहा है मेरे जी, तो इसको भी मैंने अभी फीडिंग दिया हुआ है। ओके आप इसका भी पेट देख सकते हैं थोड़ा जाड़ा है जी, तो हम लोग इसको लाइव फीड देते हैं बिकॉज ये थोड़ा अटैकिंग स्नेक को नेचुरल हैबिटेट में अगर फीड देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। और सॉरी मैं इसका प्राइस बोल इसका नाम बोलना भूल गया इसका प्राइस बोलना भूल गया जी। तो इसका जो नाम है वो कार्पेट पाइथन है, ये अफ्रीका से बिलोंग करता है जी, साउथ अफ्रीका से। और ये काफी अच्छे रेनी कैप्टिव में सॉरी वाइल्ड में रहता है, रेनी वाइल्ड में जैसे उधर कभी भी पानी रहता है उस वाइल्ड में रहता है। और ये काफी अच्छा अटैक करते हैं जैसे ग्रीन ट्री पाइथन हो गया, जैसे व्हाइट लिप पाइथन हो गया, कार्पेट पाइथन जो है काफी अच्छा अटैक करते हैं, काफी जबरदस्त। और जो इनकी बाइट रहती है वो थोड़ा पेन करती है, इस वजह से मैं भी इसको थोड़ा हाथ में लेने से डरता हूँ। ओके बिकॉज अगर मुझे जैसे अभी समझिए yes, इसकी उसका मुंह ऊपर ही आप देख सकते हैं, ये देखिए कुछ टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ अटैक नहीं करेगा। ओके क्योंकि मुझे लास्ट 2 years बैक जो है एनाकोंडा की बाइट हुई थी तो उससे कुछ उतना मुझे दर्द नहीं हुआ। अच्छा। जब साला ग्रीन ट्री पाइथन काटा था तो एक अजीब सा जलन होता है। ओके भाई उधर ही पेन होता रहता है और हमारा दिमाग भी उधर ही रहता है, साला आज इधर सांप काटा। तो मुझे हर दिन कॉमन सी बात है, मुझे हर दिन स्नेक्स थोड़े बहुत काटते रहते हैं। तो इसमें वेनम कुछ नहीं है, आपके सामने मैं जिंदा बैठा हुआ हूँ और स्नेक के साथ रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, इधर ही रहता हूँ मैं। तो स्नेक्स में 100% वेनम नहीं है, नहीं है, नहीं है, जो भी मैं स्नेक सेल करता हूँ। तो ये कार्पेट पाइथन जो है ये 2,50,000 रुपीज सिंगल पीस है। ओके और इसमें काफी अच्छी ब्यूटीफुल स्पीशी मैं बता दूंगा कार्पेट पाइथन में ही। और ये कार्पेट पाइथन का जो है वो जंगल मार्फ है। ओके जंगल पाइथन नहीं है, जंगल मार्फ है, क्योंकि जंगल पाइथन भी एक आता है जंगल पाइथन के नाम से, तो ये जंगल मॉर्फ है। तो इसमें एक और कार्पेट पाइथन में एक और यूनिक चीज दिखाऊंगा तो आप वो भी देखिए। ओके आपका अल्बाइनो कार्पेट पाइथन, वाओ ये अल्बाइनो कार्पेट पाइथन है, ये भी काफी अच्छे साइज में है। ये थोड़ा काटने को आ रहा है इस वजह से थोड़ा पकड़ रहा हूँ इसका, बिकॉज मैं आपको इसका साइज दिखाना चाह रहा हूँ। काफी अच्छा साइज है इसका, काफी अच्छा कलर है,
Yes. आप इसका कलरेशन देख सकते हैं। अगर इसका आपको फेस देखना है तो इधर देख सकते हैं, ग्रीन ट्री पाइथन के जैसा दिख रहा है। Exactly. और ये ग्रीन ट्री पाइथन का ही फेस है इसका 100%। जी, लेकिन ये ग्रीन ट्री पाइथन नहीं है, इसका नाम है कार्पेट पाइथन, अल्बाइनो कार्पेट पाइथन। काफी ब्यूटीफुल है यार ये, तो अल्बाइनो पाइथन से भी काफी अच्छा है, अल्बाइनो जो बॉल पाइथन आता है उससे भी काफी अच्छा है। और इसके पैटर्न देखिए, Yes, look at ब्यूटीफुल है। इसके पैटर्न के ऊपर आप देखिए हल्का सा कैसे मार्किंग आया हुआ है हर एक स्केल पे। काफी ब्यूटीफुल है यार, काफी ब्यूटीफुल। और ये पहली बार जो मेरे पास म्यूटेशन निकला है, और ये आप मानिए ना मानिए, मैं मेरे लिए रखा हुआ था, तो बस ऐसा पाइथन देखने के बाद मैं मेरे पास बोला भाई दूसरे के पास भी जाने दो, मेरे पास तो ब्रीड होते रहेंगे जी। तो मैं इसको अभी सेल पे है। वाओ, ये तो वाकई में वंडर्स ऑफ नेचर है। ये 3.5 लाख रुपए का है। ओके, और अगर किसी को चाहिए तो थोड़ा बहुत रीजनेबल कर दूंगा मैं। ओके, बिकॉज काफी लोग स्नेक्स रखना चाहते हैं, बजट के मामले में थोड़ा बैक हो जाते हैं। ओके, वो सब भी मुझे कॉल कर सकते हैं, टेंशन की बात कुछ नहीं। ये पाइथन नहीं तो अगला पाइथन, अगला नहीं तो तीसरा, क्योंकि मेरे पास स्नेक्स तो आते ही रहते हैं जी। और इससे आप थोड़ा दूरी रहिए। ओके, बिकॉज ये थोड़ा बहुत कमीना नहीं, काफी बड़ा कमीना है। अच्छा, आप इसका अटैकिंग देख सकते हैं। ओके, क्योंकि मैं भी इसको हाथ में नहीं लेता हूँ, साला बहुत गंदा अटैक करता है। ओके, काफी अच्छा अटैक करता है ये। इसका नाम है व्हाइट लिप पाइथन। ओके, अगर आप इसको प्रॉपर इसका कलरेशन देखना चाहते हैं तो मैं इसको आपको कलरेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा वो शानदार स्नेक, लुक एट दैट। ये देखिए इसकी पूरी मार्किंग्स, पूरी स्केल्स देखिए इसकी, अलग ही है भाई। ये तो पूरा निराला है एकदम, ये एकदम रेनबो कलर है। आप अगर इसको धूप में रखेंगे ना, अच्छा, तो अभी आई थिंक ये ऑलमोस्ट एक वीक में शेडिंग करने वाला है। ओके, शेडिंग के बाद अगर आप इसको देखोगे ना, ये काफी एकदम मतलब यार रेनबो है ये। ओके, बिल्कुल रेनबो है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये इसमें देख रहा हूं इसका कलरेशन, ये देखिए अभी भी आप रेनबो कलरेशन देख सकते हो। एंड यहाँ पे कलरेशन ऑफ कलर हो जाता है थोड़ा बहुत, और फिर बहुत डार्क हो जाता है, फिर बीच में आप देखिए नीचे की तरफ फेंट हो जाता है। वाओ, और इसको बोला जाता है व्हाइट लिप पाइथन, व्हाइट लिप। हाँ, ये भी नॉन वेनमस है, पाइथन में कोई भी वेनम नहीं आता है, ये भी नॉन वेनमस है। और इसका जो प्राइस है वो 2 लाख रुपीज है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है। जिसको भी चाहिए फटाफट 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 कॉल करिए, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ जी, क्योंकि काफी अच्छा बाइट करता है, इसको ज्यादा देर हाथ में नहीं रखना चाहिए जी। और जिसको भी अगर चाहिए तो ये मत सोचिए कि भाई ये बाइट करता है, नहीं लेना चाहिए इसको, प्रॉपर मैं आपको टेम करके दे दूंगा। okay. अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैं इस पे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जी। आपको प्रॉपर विद टेम मिल जाएगा। ओके, आप उसका टेंशन मत लीजिए। पेश है अगला एग्जॉटिक शानदार रेप्टाइल यहाँ पर। तो भाई क्या है, ये पूरा पैटर्न से घिरा हुआ है। तो भाई इसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट टेगू, ये आपके चैनल पे मैंने पहले भी बताया हुआ है जी, लेकिन आई थिंक इससे थोड़े बड़े मैंने बताए हुए हैं। ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट टेगू है। ओके, काफी ब्यूटीफुल स्पीशी है। ओके, तो क्या प्राइस में है ये भाई? इसका प्राइस है 40,000। ओके, 40,000 रुपीस का पीस है। ओके, और मेरी लाइफ का पहला पेट जो है वो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टेगू पे गया था। वाओ, जब मेरा बचपना था। अच्छा, काफी छोटा था मैं उस टाइम। अच्छा, तो मेरी लाइफ का पहला जो पेट है वो ब्लैक एंड व्हाइट टेगू पे ही, आई थिंक रेड टेगू या ब्लैक एंड व्हाइट टेगू, आई डोंट नो जी। तो ब्लैक एंड व्हाइट टेगू पे गया हुआ था। okay. काफी ब्यूटीफुल पेट है, और ये बनाना खा लेता है। अच्छा, और जो चिकन के अंडे आते हैं उसको फोड़ के उसके अंदर का जो आता है वो देंगे तो वो पी लेगा। okay. और चिकन पिंकी मीट में आप जो भी देंगे खा लेगा। अच्छा, और ये काफी अच्छा ग्रो होता है, और इग्वाना के मुकाबले में इसको थोड़ा ज्यादा यूवी भी लाइट लगता है। okay. तो टेगूस का एक और काफी अच्छी सीखने की वाली चीज है, इंडिया में मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं है जो टेगू ब्रीड किया हुआ है, बिकॉज टेगू ऐसी जगह पे रहते हैं जिस जगह पे स्नोफॉल होता है। तो इस स्नोफॉल के वजह से जो है ये सब जगह जब बर्फ जम जाता है तो प्रॉपर टेगू को जो है डीप हाइबरनेशन में जाना रहता है। डीप हाइबरनेशन का माना यह है,
6 से 7 महीने तक ये सोते रहते हैं, डीप हाइबरनेशन। जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है तभी थोड़ा बर्फ की जो है लेयर कम होके धूप जब आने लगती है तब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है। और मैंने इसको इंक्लोजर्स में ऐसे सेटअप किया हुआ है कि जब टेगूज डीप हाइबरनेशन में जाएंगे तो उनके इंक्लोजर में कोई बंदा नहीं जाएगा, फूड डालने के लिए भी सिर्फ पानी रखा रहेगा और फूड डालने के लिए भी कोई बंदा इंक्लोजर में नहीं जाएगा। और जो आप ये बच्चा देख रहे हैं, ये मेरे पास ब्रीड हुआ हुआ बच्चा है और इसमें मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट टेगू और ब्लू टेगू प्लस रेड टेगू मेरे पास जो है अवेलेबल है। तो पहले तो मैं ये बता दूं, आप इसमें देख सकते हैं जो मेरे पास टॉर्टोइस फूड जो है काफी वैरायटी के हैं। देखिए ये हो गया आपका कैल्शियम, दे सकते हैं आप इसको, कैल्शियम आता है ये पानी में मिलाने का है। जब भी टॉर्टोइस को सोकिंग कर रहे हो या फिर अदर रेप्टाइल को सोकिंग कर रहे हो तो ये पानी में मिला के डालना पड़ता है। इस पे पूरा लिखा गया है कि कितने लीटर में कितना ड्रॉप डालना चाहिए, क्या कितना एमएल डालना चाहिए, तो इसमें आपको प्रॉपर लिखा हुआ है। और ये हो गया आपका टॉर्टोइस फूड, इंडियन टॉर्टोइस देख के प्लीज कॉल मत करिए कि इंडियन टॉर्टोइस सेल पे है क्या, ये बस मजूरी कंपनी ने फोटो लगाई हुई है। तो ये मजूरी मेरे पास अवेलेबल है, ये ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 600 ग्राम का ये मजूरी है। और इसमें मेरे पास जो है जल्दी ग्रो करने के लिए, जैसे कि फास्ट ग्रोथ हो जाता है, जैसे हर फिश फूड में भी आपको देख सकते हैं ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छा फूड है, तो ये भी आप देख सकते हैं ये भी अच्छा ग्रोथ के लिए है, क्योंकि ये ज्यादातर अल्डाब्रा गैलापागोस टॉर्टोइस को दिया जाता है। और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है 4,000 रुपीज का, क्योंकि लोग है ना 3.5-4 लाख का जो है टॉर्टोइस खरीद लेते हैं, लेकिन 4-5 हजार उसके फूड के ऊपर डालने के लिए थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई 4,000 का फूड, हमारा फूड आता है 200-300 रुपए में और टॉर्टोइस का फूड आता है 4,000 का। तो भाई मैं आपको सब लोगों को यही बताना चाहूंगा, आप जो 200 रुपए वाला फूड खाते हो वो आपको मिल जाता है एक टाइम के लिए, और जो ये 4,000 का फूड आता है ये ऑलमोस्ट एक टॉर्टोइस के लिए 1 साल तक चलेगा। तो आराम से आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी अच्छे फूड वैरायटी भी है मेरे पास और ये भी आपको ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। तो मजूरी कितने में आएगा भाई? मजूरी भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस 3,500 रुपीज का मजूरी है। और ये फूड आप देख सकते हैं 1 किलो का पैकेट है, तो ये फूड भी आपको मिल जाएगा 4,000 रुपीज में, तो सेम एज इट इज। इसमें बेबीज के लिए भी है, एडल्ट के लिए भी है, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। और जो रेप्टाइल, जैसे आपका टॉर्टोइस हो गया फिर अदर रेप्टाइल हो गया, उनके इंक्लोजर क्लीनिंग के लिए डिसइंफेक्शन करने के लिए जो स्प्रे है, जब भी आप क्लीन करेंगे तो इसको डिसइंफेक्शन करने के लिए मेरे पास स्प्रे भी अवेलेबल है। और काफी सारे ऐसे रेप्टाइल्स के जो प्रोडक्ट्स है ये भी मेरे पास अवेलेबल है, उनके फूड डालने के लिए कप्स मेरे पास अवेलेबल है। और रेप्टाइल के लिए, टॉर्टोइस के लिए हीट मैट जरूरी है, जरूरी माने अगर आप टॉर्टोइस ले रहे हैं तो 100% आपको हीट मैट, जो उनके यूवीबी लाइट्स आते हैं वो 100% जरूरी होता ही है, तो वो सब मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है अभी। तो ये भी ऑल ओवर इंडिया डिलीवर अवेलेबल है। और इसमें आप देख सकते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसा बिरयानी का माहौल है, तो ये टॉर्टोइस के लिए बिरयानी है, काफी अच्छी बिरयानी है ये। अच्छा। जैसे आपका टॉर्टोइस कुछ खा नहीं रहा है तो उसमें आप क्या करिए, इसको थोड़ा मिला दीजिए और ये थोड़ा भिगो के खिलाना है, या फिर ड्राई भी खिला सकते हैं। आपका अगर टॉर्टोइस बड़ा है तो ड्राई भी खिला सकते हैं, अगर बच्चा है तो इसको ड्राई भी खिला सकते हैं, सॉरी वेट करके खिला सकते हैं। और इसका जो स्मेल ही है वो काफी ब्यूटीफुल स्मेल है, स्मेल नहीं बोल सकते उसको, काफी ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, सुगंध बोल सकते हैं जी, खुशबू, हाँ खुशबू, तो ऐसी खुशबू आती है टॉर्टोइस इसमें। ज्यादातर बहुत अच्छे से खाने की कोशिश करता है, और ये अगर एक डब्बा जब लेंगे तो आपको एक महीने भी खाली हो सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा खाता है टॉर्टोइस और काफी उसको अच्छा लगता है। इसी आप इसका कलर वगैरह देख सकते हैं, थोड़ा कलरफुल ऐसे ही बनाया गया है। और इसको आप इग्वाना को भी खिला सकते हैं, इग्वानास हो गए, अदर रेप्टाइल्स हो गए, तो अगर खा रहा है तो खिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बेडिंग वगैरह आप देख सकते हैं, जो रेप्टाइल बेडिंग है जैसे गेको का, टेरेंटुला, टर्टल्स का हो गया, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है, और उनके प्रॉपर रेप्टाइल यूवीबी लाइट्स मेरे पास अवेलेबल है।
और बाकी आपको रेप्टाइल्स के जो एक्सेसरीज है, जो हार्नेस हो गया, जैसे डॉग को हार्नेस आता है, डॉग का हार्नेस हो गया, रेप्टाइल टेम्परेचर हो गया, और उसके लिए बेड चाहिए आपको स्लीपिंग बेड, तो वो भी अवेलेबल है। और गेकोस का जो लिक्विड आता है, जैसे कि बच्चों को सरलैक खिलाते हैं वैसा एक लिक्विड आता है, वो सरलैक भी अवेलेबल है। पैकमैन फ्रॉग का फूड अवेलेबल है, और स्नेक स्टिक्स जो आते हैं, जैसे छोटे छोटे स्नेक्स आते हैं उनके लिए स्टिक्स भी मेरे पास अवेलेबल है। ओके, तो ये स्प्रिंग टाइप है, इसको आप बड़ा करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे तो इतना हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास अवेलेबल है। और यूवीबी लाइट्स के होल्डर अवेलेबल है, यूवीबी लाइट्स मेरे पास अवेलेबल है, आप होल्डर देख सकते हैं उनका, जो बेडिंग सब्सक्रेट जो भी बेडिंग सब्सक्रेट जो भी चाहिए होगा तो सब मेरे पास अवेलेबल है। हो गया, आप ये देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का कैप है, ये हाइडिंग प्लेस है स्नेक के लिए, और काफी लोग इसको इंडिया में नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी आपको कर्नाटक एक्वेरियम पे अवेलेबल है। और जो भी आप देखे हैं, अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी प्लस कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। तो प्लीज ये मत सोचिए कि भाई इतने सारे एनिमल्स को ये मेंटेन कैसे करते होंगे, हमारे पास मेंटेन करने के लिए इनके प्रॉपर टीम है, हमारे पास हर एक एनिमल के लिए प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है। सैनिटाइज माने ये नहीं कि भाई कोरोना वाला सैनिटाइज, इनको अलग से कुछ केमिकल्स आते हैं वो सब हम लोग यूज करते हैं, इनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाता है, प्रॉपर इनका फूड डाइट वगैरह दिया जाता है। सुबह इनको जब खाना रखते हैं तो वो रात में वही खाना नहीं रहता, उनकी सब प्लेट से हट जाती है, बिकॉज वो रात में उनको प्रॉपर नींद चाहिए, तभी एनिमल स्ट्रेस में नहीं रहेगा। इनको हम लोग रात में यूवीबी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ दिन में इनको यूवीबी लाइट दिया जाता है। और ये यूवीबी लाइट्स का सिस्टम ऐसे बनाया गया है, अगर जो शॉप की एसी है, अगर ये एसी ज्यादा कोल्ड हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ज्यादा हीट हो जाएंगे, इसमें सब टेम्परेचर्स लगाया गया है। ये जैसे आपको दिख रहा है तो ऐसे आपको नहीं है, इनका प्रॉपर टेम्परेचर वगैरह सेट करके मैंने एसी से पावर से, और जो मेरे यूवीबी लाइट्स हैं प्लस एसी को मैंने ऐसा कनेक्ट किया हुआ है, अगर ज्यादा एसी चिल्ड हो रही है तो ऑटोमेटिक लाइट्स जो है हीट हो जाएंगे, ये प्रॉपर सेटअप किया हुआ है ऐसे। और इनका जो पानी है ये 24/7 उसमें इंक्लोजर में रहता है, बिकॉज रात में कभी भी जैसे हमारे को भी पानी की सोर्स लगती है वैसे जानवरों को भी लग सकती है, तो इसमें प्रॉपर पानी 24 आवर दिया रखता है। और इनका जो खाना है वो सिर्फ दिन में एक बार दिया जाता है, बिकॉज ज्यादातर रेप्टाइल्स खाना नहीं खाते हैं, ऐसे ही सर्वाइव होते हैं। और ऐसे ही हमारे चैनल पे एसजे भाई को सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि वो काफी मेहनत करते हैं, मुंबई से बैंगलोर आते हैं। और दूसरे अगर पेट्स आपको देखना है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। तो सैयद भाई, आज मेरा वाकई में दिल खुश हो गया, और ये वीडियो हमारे जितने भी कर्नाटका एक्वेरियम की वीडियोज है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो रहा है, एंड इतने सारे रेप्टाइल्स, इतने सारे एग्जॉटिक पेट्स हमने दिखाए, एंड आपने ये शॉप ओपन करके फाइनली एक नेक्स्ट लेवल पे आज आप कर्नाटका एक्वेरियम को इस मकाम पे लेकर आए हो। मैं आशा करता हूँ कि ऑलमाइटी इसी तरह आपको ऐसे ही साथ देते रहे, और ऐसे ही आप आगे जाते रहो, और हमें ऐसी इंटरेस्टिंग, यूनिक, अनकॉमन चीज़ें पहली बार इंडिया में दिखाते रहो। मेरे ख्याल से ऊपर वाले का साथ और हमारे सारे हॉबीस्ट का साथ से ही आज आप इतने, मतलब आज सक्सेसफुली रेप्टाइल्स ला रहे हो और हमें दिखा रहे हो, एंड दिखाने के साथ आपने बहुत ज़्यादा वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी। मैं अगेन आपको तहे दिल से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, एंड ये ऊपर वाले से शुभकामनाएं करता हूँ कि आप ऐसे ही, आपको ऊपर वाले का दुआएं, ब्लेसिंग्स मिलते रहे, और आप इससे भी और बढ़ के आप रेप्टाइल्स हमें दिखाते जाओ और ऐसे और शॉप्स ओपन करते जाओ, ना सिर्फ कर्नाटका में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में, ताकि ये हॉबी और बड़े और ग्रोथ हो जाए। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे हॉबीस्ट के लिए? तो भाई मैं हॉबीस्ट के लिए यही कहना चाहूँगा, अगर कोई पेट ले रहे हैं तो प्लीज़ उनको प्रॉपर टेक केयर करिए। अगर किसी को मतलब पेट रखने को ऐसे लग रहा है कि भाई हमें अभी रखना नहीं चाहिए आगे, तो प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो भी पेट हम आपसे खरीद लेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ वाइल्ड में मत रिलीज़ करिए, ताकि इनका जो है जनरेशन अगर किसी से भी क्रॉस ब्रीड होके कुछ भी बहुत बड़ा इशू हो गया तो भाई डायनासोर निकल आएगा। तो प्लीज ये कोशिश मत करिए कि डायनासोर लेके आने की, बिकॉज मुझे वाइल्ड लाइफ वालों ने आके इन्फॉर्म किया है,
जो हमारे बैंगलोर में है, जो इंदिरा नगर, उधर पे कोई क्लाइंट ने बॉल पाइथन रिलीज किया हुआ था, तो वो बॉल पाइथन फॉरेस्ट वाले उसको रेस्क्यू किए थे, तो वो एक्चुअली इंडियन पाइथन नहीं था, तो वो बॉल पाइथन अफ्रीकन बॉल पाइथन था, तो वो इंडिया में ऐसे कैसे मिला, तो मुझे बहुत पूछताछ किए है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, तो प्लीज वो सब वाइल्ड में मत रिलीज करिए थ्रू आउट इंडिया में, किधर भी आप वाइल्ड में पेट एनिमल को, कोई भी हो पेट एनिमल, आप प्लीज उसको मत रिलीज करिए, या फिर नियर बाय बोर्डिंग प्लेस पे दे दीजिए, या फिर आप कोई पेटिंग करने वाले को दे दीजिए, या फिर शॉपकीपर्स को दे दीजिए, ताकि शॉपकीपर्स भी नए कोई पेट ओनर को ढूंढ के उसको पेट अच्छे से अच्छा रख सके। देखिए मैं मानता हूँ पेट्स की पेट शॉप्स वाले थोड़े प्रॉपर नहीं रखते हैं, लेकिन आप जैसे देखते हैं मेरा शॉप कभी भी क्लीननेस में टॉप क्लास पे है, और आप मेरा गूगल पे रिव्यू भी देख सकते हैं, मैं बहुत क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को ऐसा पेट रखने को नहीं हो रहा है तो प्लीज़ हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं सिर्फ पेट लूँगा एग्जॉटिक पेट, अगर डॉग है या फिर कैट है तो उनके बोर्डिंग हाउस भी है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर गूगल या आपके इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करके किसी को भी अडॉप्ट पे दे सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी पेट एनिमल है उसको वाइल्ड में मत रिलीज़ करिए। आपके पास अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझसे सजेस्ट ले सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7090546647। इतनी ज़्यादा अगर मेरे से कुछ बातचीत में गलती लगी, क्योंकि मैं आज बहुत बड़ा वीडियो बनाया हूँ, तो आई थिंक मेरी लाइफ में मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो अगर इसमें कोई भी आपको फॉल्ट लग रहा है तो पहली बात तो मैं बोल दूँ सॉरी, और अगर आपको इसमें काफ़ी अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को, यही चैनल को लाइक करके शेयर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे कि भाई अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको काफ़ी अच्छे पेट्स बताएं। तो अगर आपको कोई नया पेट देखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम नया पेट लेके आएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। ऑलराइट सैयद भाई, सो ये था आज का वीडियो, दिस वॉज इंडियाज फर्स्ट रेप्टाइल शॉप, एंड जैसे कि आपने देखा हर एक एनक्लोजर बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान देकर बनाया गया है, उनको स्पेस से लेकर, उनसे एसेसरीज से लेकर, जो भी उनको फैसिलिटीज़ और जो भी उनके ज़रूरतें हैं उस पर ध्यान रखते हुए, और ये स्टोर को भी देखिए कितने शानदार खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, सो बारीकी चीज़ों पे ध्यान दी गई है। सो आई वुड ऑल्सो लाइक कि आप प्लीज़ अप्रिशिएट करें कर्नाटका एक्वेरियम को, बिकॉज उन्होंने ये पहल की, ये स्टेप फॉरवर्ड किया हमारे इंडिया को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए, इंडिया में ऐसा अद्भुत यूनिक शॉप बनाने के लिए। सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, सो डू हिट द थम्स अप बटन एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज के वीडियो में कौन सा रेप्टाइल या कौन सा एक्सोटिक पेट सबसे ज़्यादा पसंद आया, पहली बार आपने देखा। सो इसी के साथ ये खूबसूरत वीडियो मैं एंड करना चाहूँगा, दोबारा मिलते बहुत जल्द कर्नाटका एक्वेरियम के खूबसूरत अद्भुत निराले पेट को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के शुरू में मिल जाएगा, और इनका एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।